इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख को जान से मारने की धमकी मिली है। मामले में एक सीसीटीवी भी सामने आया। किसने दी है यह धमकी और क्यों दी गई है यह धमकी, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सर तन से जुदा की धमकी। खत में मौत का फरमान। वीएचपी नेता को जान से मारने की धमकी। हिंदी और उर्दू में मौत का मजमून। इंदौर के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख को जान से मारने की धमकी मिली है। संतोष शर्मा को यह धमकी एक खत के जरिए दी गई है। जंजीर वाला इलाके में वीएचपी नेता का घर है। यहाँ देर रात ऑटो से महिला पहुंची। महिला ने बुर्का पहन रखा था। इसने धमकी भरा खत गार्ड को दिया। महिला के वीएचपी नेता के घर पहुंचने का सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरों में घर के बाहर ऑटो खड़ा दिख रहा है और इसके कुछ देर बाद गार्ड खत को लेकर अंदर जाते दिखाई दे रहा है। खत को जब खोला गया तो इसमें हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में भी कई शब्द लिखे मिले। इन लाइनों को पढ़ लेना, तुझे सब समझ आ जाएगा, अब नहीं बचेगा। खत को लेकर वीएचपी नेता ने कहा कि ये श्रीलंका से आई एक महिला ने भेजा है और पुलिस को शिकायत की है। 12:45 से 1 के बीच में कोई मुस्लिम महिला जिसने अपना नाम अलीमा बताया, वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को एक पत्र देके गई और कह के गई कि ये पत्र जो है हमारे सुरक्षा अधिकारी को दे दें, वो मुझ तक पहुंचा देंगे। उस पत्र को जब खोला तो उसमें धमकी लिखी हुई थी कि तुम्हारी अल्लाह के घर वापसी होना तय है, तुम हर जगह बचे हो, अब नहीं बचोगे, अल्लाहु अकबर। इस प्रकार का एक पत्र वो महिला दे गई और सिक्योरिटी गार्ड को कह गई थी कि मुझे बाहर जाना है श्रीलंका, इसलिए मेरी फ्लाइट है, मैं निकल रही हूँ, उनको बता देना। संतोष शर्मा ने धमकी को सनातन के खिलाफ और कमजोर करने की साजिश करार दिया। साथ ही कहा कि घर वापसी का अभियान चलता रहेगा, जो लोग अपनी इच्छा से सनातन को अपनाना चाहते हैं, उनका सहयोग वो करते रहेंगे। देखिए, विधर्मियों का काम है इस प्रकार की धमकी देना, सनातन को कमजोर करने का निरंतर ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि सनातनी लोग कैसे तैसे अपने काम को बंद कर दे, कमजोर हो, और इनके जो लोग हैं वो स्वयं सनातन में घर वापसी कर रहे हैं, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल केवल उनको सहायता करती है उनके पवित्रीकरण के लिए और करती रहेगी। संतोष शर्मा रहे न रहे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम चलता रहेगा। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मामले की तफ्तीश भी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि जल्द इस मामले में गिरफ्तारी भी होगी। मिथिलेश गुप्ता, News18, इंदौर। रायपुर में अमन साहू गैंग ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। तेली बांधा इलाके की फायरिंग के बाद दहशत फैल गई। यहां पर पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले अमन साहू गैंग के थे। फायरिंग से दहशत, निशाने पर कोल कारोबारी, सीसीटीवी में कैद शूटर्स। रायपुर में अमन साहू गैंग ने दहशत फैलाने की कोशिश की। तेलीबांधा के उद्योग भवन के पास कोयला कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग की। बाइक पर सवार दो बदमाशों ने 2 बार फायरिंग की, पहली बार हवा में, दूसरी बार दफ्तर पर। गोलीबारी की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं फायरिंग के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। इस दौरान दोनों सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बताया जा रहा है कि लेवी वसूलने के लिए अमन साहू गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। ये कोल व्यापारी को डराने के लिहाज से की गई वारदात है। ये घटना तब हुई जब पिछले ही दिनों पुलिस ने अमन साहू गैंग पर शिकंजा कसा था और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये झारखंड के अपराधी हैं और ये मैं आपको बताऊं, इसमें अमन साहू जो गैंग है, लगभग 90 मामले उसके खिलाफ झारखंड में फायरिंग और अन्य लोगों के खिलाफ, उसके गैंग के मेंबर के खिलाफ है। ये मामले में भी अभी हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं और जल्दी इस मामले की तह में भी हम लोग जाएंगे। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, ऐसे अपराधियों की हम लोग पहचान भी करेंगे।
ये कहा जा रहा है कि कारोबारी को निशाना बनाने के लिए दोनों बदमाश महावीर नगर चौक में रैकी कर रहे थे और काफी देर से कारोबारी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कारोबारी दफ्तर की तरफ जाने लगा, बदमाश तेजी से आए और फायरिंग की, इसके बाद निकल गए। बदमाशों ने अपनी बाइक अनुपम नगर जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे छोड़ दी और फरार हो गए। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक पर झारखंड का नंबर है। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से फिंगरप्रिंट लिए हैं, साथ ही आसपास के इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अमन साहू गैंग की सक्रियता को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस एक्टिव थी, यही वजह है कि वारदात के पहले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इस बार गैंग पुलिस को चकमा दे गया। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उम्मीद है इस मामले में पुलिस जल्द एक्शन लेगी और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।